इजराइल जाना चाहते हैं, आपने टेस्ट पास कर लिया है और मेडिकल के लिए कॉल आ रहा है, तो मेडिकल कहाँ पे कराना है सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। एक भी रुपया आपका चार्ज नहीं होगा, जो सरकारी फीस होगा वही लगेगा। तो वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज आप समझ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियोस में। मैं इस वीडियोस में उन भाई लोगों को बताना चाहता हूं, उन मेरे दोस्त लोगों को बताना चाहता हूं जो इजराइल या अदर किसी कंट्री में जाने वाले हैं, और जो लखनऊ से अपना वो पास टेस्ट दिया था और उन लोगों को वहां से कॉल आ रहा है कि हम आप लोग जाकर मेडिकल करा लीजिए, फिजिकल करा लीजिए। उन लोगों के लिए ये वीडियोस मैं बताने वाला हूं कैसे और कहां कराएं, कम से कम पैसा में हो जाए। और अस्पताल पे जाने के बाद बहुत से ऐसे दलाल पड़े हुए हैं जो आप लोगों से 2,000 से 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं कि आपको हम बना कर दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को एक भी रुपया नहीं लगेगा, जो सरकारी फीस होगा वही फर्स्ट फीस लगेगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक भी रुपया नहीं देना है। सबसे पहले करना क्या है, जब आप सरकारी अस्पताल पे जाइएगा, जिस भी आप जिले के होंगे उस जिले अस्पताल में जा करके आप एक रुपये का पर्ची कटाइएगा। आप वहीं पे बोल दीजिएगा कि मैंने एक रुपये का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है, एक रुपया वहाँ पे चार्ज लगेगा, आपको रजिस्ट्रेशन होकर एक पन्ना मिल जाएगा, कोर पन्ना होता है जिसमें बस केवल आपका नाम डिटेल भरा रहेगा, वो पन्ना आपको मिल जाएगा। उसको लेकर के आप काउंटर रूम नंबर 1 या किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा जो वहाँ पे MBBS किया हो, उनसे आप बोलिएगा कि सर मैं इजराइल जाने वाला हूँ, या किसी भी कंट्री के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस कंट्री का आप उनको बताइएगा, वो आपको आपके चेस्ट एक्सरे आई मतलब आँख का जो लेंस होता है उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं ना, उसका टेस्ट और ब्लड टेस्ट और HIV और ऐसे ऐसे 4-5 टेस्ट आपको वो नोट करेंगे। उसके बाद से आपको करना क्या है, सेकेंड और CBC है, तो सबसे पहले आप जाएंगे CBC पे, जहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ, 67 रुपया सरकारी चार्ज है। वहाँ पे जाएंगे तो आपका CBC हो जाएगा और उसके बाद से तुरंत मिल जाएगा मात्र 5 से 10 मिनट में, कुछ इस प्रकार से टेस्ट होगा आपका जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद से सेकेंड नंबर पे आपका एक्सरे आएगा, एक्सरे का कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो आप फॉर्म आपने वहां पे कटाया था जो डॉक्टर उन्होंने नोट किया था वहां पे जाएंगे तो आपका वो एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल एक्सरे कराइएगा, छोटा में होता है डिजिटल एक्सरे, जो चेस्ट होता है काफी मतलब अच्छे तरीके से उसमें प्रिंट आता है, तो जो चेक जो मेडिकल देखते हैं बाद में उन लोगों को स्पष्ट होता है, नहीं तो आपको फिर दूसरा चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा, तो वो हो गया। फिर थर्ड नंबर पे आपको HIV टेस्ट कराना है, जो उसमें चार्ज लगेगा बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। फिर ब्लड ब्लड का ब्लड में कोई चार्ज नहीं लगेगा, ब्लड का जब जांच कराएंगे तो पेशाब वेशाब जो भी होगा यूरिन कोई चार्ज नहीं लगेगा, मात्र आपको 100 से 150 रुपये में जो सरकारी फीस होगी उसमें आपका सारा चेकअप हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक आपको फॉर्म मिलेगा, जिस भी कंट्री में जाना होगा आपको एक फोटो लगाना पड़ेगा, वो फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाइएगा और क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपके फॉर्म में, और किसी भी दुकान पे जाकर प्रिंट आउट करा करके जो आपने चेकअप कराया होगा, जैसे कि जो आपने चेकअप कराया है HIV का, आँख का या फिर चेस्ट का, ब्लड का और यूरिन का, जो जो मात्रा उसमें दिखाएगा उस चेकअप पे वही सारा डिटेल उसमें भरा जाएगा, जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लोड कर लीजिएगा, किसी भी डॉक्टर से आप कहीं भी भरवा लीजिएगा, उस पर सरकारी मुहर होना चाहिए, फिर वो जो भी फॉर्म आपके सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा होगा वो चीज आपको लेकर वहां दिखाना है, इस प्रकार से आपका चेकअप होगा। तो धन्यवाद आपको यहां तक वीडियो देखने के लिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज आप लोगों के लिए बहुत सारा लाइन लगने के बाद ये सारी जानकारी लेकर पाया हूँ, और जो भी फार्म था उस फार्म को कहीं से इकट्ठा किया, इस फार्म को लेने के लिए अस्पताल पे 200-200 रुपये लोग चार्ज कर रहे हैं, वो चीज़ आपको फ्री में मिल गया। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी सारी जानकारियाँ इस वीडियोज में इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोज काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। बाय। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉर्म अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है वहां पे जाकर हाय लिखिएगा, जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का नाम लिखिएगा, मैं समझ जाऊंगा और आप लोगों को फॉर्म व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा, क्योंकि इतना फोन आप लोग करेंगे तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं नंबर दिया हूं। बस व्हाट्सअप पे हाय करिए और कंट्री का नाम लिखिएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म सेंड कर दूंगा और प्रिंट आउट करा के फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जैसे मैं बताया हूं, ठीक है। और वीडियोस को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो अगला जो भी स्टेप होगा आप लोग भूल जाएंगे।